गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो मेहनत की कमाई पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमें मेहनत की कमाई यानी ऐसे पैसे या ऐसे रुपए जो हम मेहनत करके कमाते हैं उसकी मुख्यता के बारे में बताया गया है। देखिए, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। एक बाप जो बहुत ही अमीर था उसने क्या करा, उसने अपने आलसी बेटे को बुलाया और कहा कि तू जा और कुछ कमा कर ला। जो वो अमीर बाप था उसका बेटा बहुत ही लापरवाह और बिल्कुल बेशरम था, काम करने की उसकी आदत ना थी। जो वो लड़का था क्योंकि उसका बाप अमीर था इसलिए वो बहुत आलसी था और कुछ भी काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। जब उस लड़के के बाप ने कहा कि जा कुछ कमा कर ला, तो उसने आलसपन के कारण उसने क्या किया, वह अपने माँ के पास गया और माँ के सामने रोने धोने लगा और उसने माँ को राज़ी कर लिया यानी माँ को मना लिया कि वो उसे कुछ दे दे। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसने उसे एक रुपये बक्से से निकाल कर दे दिया। जब वह लड़का अपनी माँ के पास गया तो उसे ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ से उसका दुख देखा नहीं गया और उसने क्या किया, उसने अपने बक्से से एक रुपये निकाल कर अपने बेटे को दे दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर रख दिया। जब रात हुई तो उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा तूने क्या कमाया। उसके पापा द्वारा ऐसा बोलने पर उसने क्या करा, उसने जल्दी से रुपये निकाल कर दे दिए। अनुभवी पिता समझ गया, क्योंकि पिता बहुत ही अनुभवी था यानी उसे बहुत अनुभव था। तो जब बेटे ने जल्दी से एक रुपये निकाल कर रख दिए तो वो समझ गया कि ये उसने खुद ने नहीं कमाए हैं बल्कि ये उसे किसी से मिले हुए पैसे हैं। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक आ। ऐसा समझने पर उसके पिताजी ने कहा कि बेटा इसको जाकर कुएं में फेंक दे। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। पिताजी के द्वारा ऐसे कहने पर लड़के ने जल्दी से जाकर वो एक रुपये कुएं में डाल दिए। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला। जब अगला दिन हुआ तो उसके पिताजी ने फिर कहा कि जा बेटा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। उसके पिताजी ने कहा कि यदि तू आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर एक रुपया अपने पास से उसे दे दिया। जो लड़का था अब उसने क्या करा, चूँकि उसने एक दिन पहले अपनी माँ से पैसे ले लिए थे तो अब वो अपनी बहन के पास गया और जाकर वहाँ भी वो रोने लग गया। तो उसकी बहन ने भी उस पर दया खाकर उसे एक रुपये अपने पास से निकाल कर दे दिए। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तो क्या कमा कर लाया। जब रात हुई तो फिर पिताजी ने पूछा लड़के से कि आज तूने क्या कमाया है। लड़के ने जेब में से निकाल कर एक रुपये बाप के सामने रख दिए। जो लड़का था उसने जल्दी से एक रुपये अपनी जेब से निकाले और अपने पिताजी को दे दिए। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंक आ। फिर जब उसने एक रुपये निकाल कर दिए तो फिर उसके पिताजी को पता चल गया कि ये इसके द्वारा कमाए हुए नहीं हैं। तो उसने फिर उस लड़के से कहा कि ये एक रुपये जाकर कुएं में फेंका और लड़के ने क्या किया, लड़के ने वैसा ही किया। आगे देखिए, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। जो पिताजी थे उन्हें पता था कि लड़का पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है, तो उसने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को ही बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने को कहा। जो पिताजी थे उन्होंने क्या कहा, अपने बेटे से कहा कि जल्दी उठना। जल्दी उठकर
जल्दी उठाकर उसे कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। उसके पिताजी ने फिर यही कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। जो बेटा था वो दिन भर उदास बैठा रहा। क्यों? क्योंकि आज तो उसकी माँ भी नहीं थी और उसकी बहन भी नहीं थी, तो उसने सोचा कि अब मैं पैसे कहाँ से मांग कर लाऊँगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। चूँकि वो उदास था इसलिए उसकी आंखों में से आंसू आते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला ना था, यानी जो जब माँ और बेटी दोनों बाहर चली गई तो वो बिल्कुल उदास होकर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आकर उसकी सुध ले या आकर उससे उसका हाल पूछे। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। जब उसके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं रहा तो उसने क्या करा, तो वो मजबूर होकर उसे उठना ही पड़ा और वो बाजार में गया कि कोई उसे काम दे दे। इस सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। जो एक सेठ था उसने क्या कहा कि मेरे पास ये संदूक है और तू उसे उठाकर पहुंचा देगा तो मैं तुझे 4 आने दूंगा। ठीक है, लड़के ने फिर ऐसा किया। देखिए बच्चों, अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या है कि अनुभवी पिता ने क्या किया था, पत्नी और बेटे को बाहर भेज दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये पैसे अपनी बहन और माँ से लेकर आ रहा है। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि जल्दी उठकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐसा करने पर बेटा जो दिन भर उदास रहा और वो रोता ही रहा। फिर वह शाम को मजबूर होकर उसे बाजार जाना पड़ा और वहाँ जाकर उसे काम खोजना पड़ा। वहाँ पर जब वो मजदूरी खोजने गया तो उसे एक सेठ मिला और सेठ ने कहा कि ये मेरा संदूक है, इसे उठाकर घर तक पहुँचा दे और मैं तुझे इस काम के 4 आने दूंगा। फिर क्या हुआ बच्चों? अब देखिए बच्चों कि कहानी में आगे क्या होता है। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। जो वो अमीर पिताजी का बेटा था उसने क्या करा, वो संदूक उठाकर उसने वो सेठ के घर तक पहुंचा दिया। ऐसा करने पर वह थककर चूर हो गया, यानी थकान के कारण वह बहुत थक गया था। क्यों? क्योंकि वो संदूक बहुत भारी था और उसने वो संदूक उठाकर सेठ के घर तक पहुँचाया था। उसके पाँव काँप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। मेहनत करने के कारण क्या हुआ, उसके पाँव काँपने लगे और गर्दन और पीठ में बहुत दर्द होने लगा। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? फिर रात हुई, फिर बाप ने वही प्रश्न पूछा कि बेटा आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। लड़के ने क्या किया, चवन्नी निकाल कर अपने पिताजी को दिखाई। पिताजी बोले, जा इसे कुएं में डाल आ। ऐसा सुनने पर क्या किया लड़के के पिताजी ने, क्या बोला जब लड़के ने चवन्नी दिखाई कि आज भी जा और इसे कुएं में डाल आ। ऐसा सुनते ही लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। क्या कहा लड़के ने कि जब उसके पिताजी ने क्या कहा कि इसे कुएं में डाला, तो लड़के को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोला कि ये तो मैंने मेहनत करके कमाए हैं और इस काम को करते करते मेरी कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं कि इसे कुएं में डालकर आ। अनुभवी पिता अब सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अनुभवी पिता समझ गया कि आज यह सच में मेहनत करके ये लेकर आया है और उसने
वह समझ गया कि अब उसका लड़का मेहनत कर सकता है, तो उसने अगले ही दिन अपना सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया या लड़के के जिम्मे रख दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हम स्वयं मेहनत करके कोई किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। ठीक है, जब तक हम मेहनत नहीं करते, जैसे कि अगर आप मेहनत करके परीक्षा देकर जो आपको अंक प्राप्त होते हैं उससे आपको जितनी खुशी होती है, वो आप बिना परीक्षा दिए पास होकर प्राप्त किए गए अंकों से बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो वो हमें अत्यंत प्रिय होती है और उसकी हमें अत्यधिक खुशी होती है। देखा, इसी तरह हमने इस कहानी में भी देखा कि किस प्रकार जब लड़के ने अपने माँ और बहन से लेकर रुपए लिए और उसके पिताजी ने उसे कुएं में फेंकने को कहा, तो उसको ज़रा भी दुख नहीं हुआ। परंतु जैसे ही उसने मेहनत करके धन कमाया और उसके पिताजी ने कहा कि और उसके पिताजी ने वह धन कुएं में फेंकने को कहा, तो उसको अत्यंत ही गुस्सा आ गया। इसलिए मेहनत से कमाई गई कोई भी चीज़ हमें अत्यंत प्रिय होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया।